अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है वो सेकंड ईयर से है कि अगर आपके पास टर्म्स डिवीज़न में हो और उस पर आप लोग लिमिट किस तरह अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सपोज़ मेरे पास है लिमिट एक्स अप्रोच टू टू और मेरे पास टू एक्स प्लस सेवन अपॉन और यहाँ पर 3x माइनस 8। सपोज़ ये मेरे पास कोई नंबर है। अब यहाँ देख, ये टर्म और ये टर्म दोनों डिवीज़न में है, तो इसके ऊपर हम लोग लिमिट किस तरह अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, इसका अलग लिमिट, इसका अलग लिमिट, 2x प्लस 7 डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को 3x माइनस 8। सही। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बाय अप्लाइंग लिमिट x अप्रोच टू 2। अब जहां आपके पास x है वहां पर आप लोग 2 अप्लाई करो, क्योंकि लिमिट अप्रोच कर रहा है x अप्रोच कर रहा है टू टू। अब यहां पर देखिए ऊपर वाले पे, अब टू तो अपने जगह पे आया, एक्स अप्रोच कर रहा है टू पे, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो एक्स की जगह आप लोग टू लिखोगे प्लस सेवन अपॉन, थ्री अपने जगह पे, एक्स की जगह एक्स अप्रोच कर रहा है टू को तो लिमिट टू आया माइनस एट इज इक्वल टू 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 जा फोर प्लस सेवन, थ्री टू जा सिक्स माइनस एट। इसको जब आप मजीद सिंप्लीफाई करोगे 4 प्लस 7 11 आ जाएगा, 6 माइनस 8 आपके पास माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 11 अपॉन 2 इसका लिमिट हुआ। इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं कि अगर आपके पास दो टर्म्स डिवीजन में हो, कोशंट में हो, तो इसके ऊपर हम लोग लिमिट किस तरह अप्लाई करते हैं, ये पूरा पैटर्न है। थैंक यू।